और लखनऊ में हुए इंस्पेक्टर सतीश कुमार हत्याकांड में 6 दिन के बाद बड़ा खुलासा हुआ। लखनऊ पुलिस ने इंस्पेक्टर की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी भावना और साले देवेंद्र कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने ही मिलकर इंस्पेक्टर की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपी देवेंद्र की निशानदेही पर अवैध असलहा, साइकिल, कपड़ा भी बरामद कर लिया है। इस हत्याकांड को दिवाली वाली रात को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब इंस्पेक्टर सतीश कुमार अपने रिश्तेदार के यहां से अपने घर लौटे थे, तभी हमलावर ने उन पर गोलियां बरसा दी। इस घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की 5 टीमें लगाई गई थी। मृतक इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिंह पीएसी में क्वार्टर मास्टर थे और प्रयागराज में पीएसी की 4वीं वाहिनी में तैनात थे। घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है देवेंद्र वर्मा, वो मृतक का साला है, और जो षड्यंत्र में उसकी सह अभियुक्त है वो मृतक की पत्नी है भावना वर्मा। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को कारित करने में अंजाम दिया था वो असलहा, एक अवैध तमंचा और एक अवैध पिस्टल पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त घटना की रात जो कपड़े इस आरोपी ने पहने थे वो कपड़े भी पुलिस ने इसके पास से बरामद किया है, तथा उस घटना में प्रयुक्त एक साइकिल जिसपे सवार होकर ये आया था घटना कारित करने, वो साइकिल भी पुलिस ने इसके पास से बरामद की है। इस प्रकार इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।